आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। थोड़ी सी व्यस्तताएं चल रही हैं जिसकी वजह से आप सभी लोगों को काफी सारी चीजें वो देखने के लिए मिलती होंगी कि कुछ नकारात्मक तथ्य आप लोगों के सामने आते रहे होंगे। बहुत से विद्यार्थियों ने हमें मैसेज भी किया है और कई सारी बातें उनके मन में घर कर गई हैं कि भैया अब आपकी वीडियो जो है शाम की नहीं आती है या कोई भी ऐसी चीजें जो है दिक्कत पैदा कर रही हैं। मैं आज उन तमाम समस्याओं के निराकरण हेतु ही आप लोगों के सम्मुख आया हूं और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को अधिकाधिक संख्या में शेयर किया करें। बात करते हैं थोड़ी सी राजनीतिक हलचलों की। राजनीतिक हलचलों में चुनाव परिणाम तो आप लोगों के सामने है और इसे इस तरीके से रिपीट कर लेना कि बहुत ज्यादा नाराजगी थी या कोई भी ऐसी चीजें, वो अलग बात है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये बात सत्य है कि युवाओं की बेरोजगारी और उनके जो दंश हैं, जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर डालते हैं। और अब तो आज मीटिंग वीटिंग भी लेने चल रहे हैं महाराज जी, तो उम्मीद की जा सकती है कि हम लोगों को कुछ बेहतरीन सा देखने के लिए मिलेगा, है ना। बहुत सारी चीजें हम लोगों की परिवर्तित होंगी, बहुत सारी चीजें वो देखने के लिए मिलेंगी। तो आगे आगे देखते रहिए क्योंकि अब 27 में ही इलेक्शन है विधानसभा का भी, ज्यादा नहीं, बस 2 साल और, है ना, 1.5 साल मान लीजिए। तो ऐसी परिस्थितियों में अब हम लोगों को किसी भी तरीके से जो है एलटी और जीएससी वगैरह के विज्ञापन को जारी करवाने होंगे। एलटी और जीएससी का विज्ञापन अब लोक सेवा आयोग, आज की ही तारीख में चीजें क्लियर हो जाएंगी कि लोक सेवा आयोग जारी करेगा, क्योंकि अब उसकी नीयत नहीं दिख रही कि वो जारी करने के मूड में है, ठीक है ना। क्योंकि लोक सेवा आयोग इसमें पूरी तरीके से कहते नहीं है कि मनमाना रवैया अपना लिया है। मनमाना इसलिए कि विद्यार्थियों ने जिन चीजों की प्रतीक्षा की वो चीजें उनकी लटका दी गई, विद्यार्थियों ने जो जो चीजें चाही वो चीजें नहीं हो पाई, है ना। आरओ यारो के दम्बे से ठेल ले गए आप पीछे तक, साल के अंतिम तक उठा ले गए। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 क्या अब उसको 2025 ही मानिए, प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद उसका रिजल्ट आने में 2025 आ जाएगा, मुख्य परीक्षा 2025 में संभावित हो सकती है, है ना। और इंटरव्यू तो 2025 में होगा, रिजल्ट 2025 में आएगा। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए ऐसा नहीं है कि केवल सिस्टम जिम्मेदार है, नहीं, इसके लिए विद्यार्थी भी जिम्मेदार है। विद्यार्थी इसलिए जिम्मेदार है जब उनके हितों की बात जो है उठाई जाती है तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। और एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का जब अध्याचन वापस भेजा गया तो उसमें सिर्फ एक तर्क दिया गया था 2 चरणों को लेकर के, कि हम 2 चरण कराना चाहते हैं और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय इसके लिए एग्री नहीं। क्यों? क्योंकि समूह गांव के दोनों पद हैं और जिसकी वजह से टीजीटी में परिवर्तन करना पड़ जाएगा और टीजीटी में परिवर्तन होने का तात्पर्य है कि सीधा सीधा तदर्थ शिक्षकों पर तलवार लटकनी शुरू हो जाएगी। वो बेचारे एक टू परीक्षा तो पास ही नहीं कर पाते हैं, डबल डबल परीक्षा कैसे पास करेंगे, है ना। इस वजह से वहां पे पेंच फंसा कि नहीं, टीजीटी तो एक ही चरण में होगी। अब एक चरण में होगी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी तो निर्णय है कि टीजीटी और एलटी की नियमावली में एक रूपता होनी चाहिए, है ना, दोनों बातें एकदम सिमिलर होनी चाहिए, एकदम टनाटन होना चाहिए, लेकिन वो चीजें हो नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि एलटी ग्रेड को 2 चरण कराने की बात कही जा रही है। चलो ठीक है, 2 चरण की आप बात कर रहे हो, सही है, लेकिन जब माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम संशोधित हुआ था, 2023 बना था, तो उसमें जो प्रस्तावना लिखी गई, मतलब जो बनाया गया था नियम उसमें और जो भूमिका बांधी गई थी, उन तमाम चीजों को जब शिक्षा निदेशक महोदय ने अपडेटेड नियमावली शासन को प्रेषित किया था तो शासन ने कहा नहीं, निश्चित फॉर्मेट पे भेजिए, फिर से अपडेट करके इसको भेजिए, और उन्होंने 4 दिन के अंदर ही फिर से अपडेट करके उसको भेज दिया, ठीक। अब वो नियमावली जो है कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई, सारी चीजें फाइनल हो गई, तो अब उसमें परिवर्तन कैसे होगा। चले फिर यही जिंदगी भर यही करते रहे, यहाँ परिवर्तन करें, वहां परिवर्तन करें, ये संशोधन करें, फिर संशोधन करें, है ना। तो इसीलिए आप लोगों की एलटी ग्रेड जीएससी वो शिक्षा सेवाचयन आयोग के पास जाने की प्रबल संभावनाएं बढ़ गई हैं।
आज की ही तारीख में ये बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। अब आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी देखने के लिए मिलेगी, अब आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी भी देखने के लिए मिलेगी, और शिक्षा सेवाचन आयोग में अधिकारियों कर्मचारियों की जो नियुक्तियां हैं वो शीघ्र होने चल रहा है। ठीक है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये बात सत्य है। अगर आप हर चीज को इग्नोर करना सीख जाएंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इम्पैक्ट तो उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। एलडी ग्रेड जीएससी के लिए हम सभी लोगों ने एक मुहिम चला रखी है, कल से ही हम लोग काम पे लग गए हैं, और अब चूंकि भाई जमीनी स्तर के लोगों से मिल करके हम लोगों ने जो मुहिम स्टार्ट की है उसमें हमारी एलटी ग्रेड जीएससी और खंड शिक्षा अधिकारी भी आता है। ठीक है ना, किसी तरीके का कोई भी ना तो अब शैक्षिक अर्हता का विवाद है। हाँ, ये बातें जरूर है कि शासन स्तर से डिक्लेयर होना चाहिए। डिक्लेरेशन क्या कि जीओ जारी हो जाए कि हाँ शैक्षिक अर्हता का विवाद समाप्त हो गया, हालांकि समाप्त हो चुका है और उसका सारा कुछ जो है लेखा जोखा भेज दिया गया है, लेकिन अभी इसको गवर्नमेंट को फाइनल करने दीजिए। पहला, दूसरा ये एज रिलैक्सेशन के लिए भाई आयु सीमा में छूट विद्यार्थी कितने दिनों से मांग रहे हैं, लोकसभा चुनाव को पहले मांग रहे थे और बहुत से राज्यों ने दिया भी, उत्तराखंड ने दिया, वहां पर रिजल्ट 5 में 5 रहा। ठीक है, हरियाणा ने दिया, चलो इतनी एंटी इनकम्बेंसी रही 10 साल की, फिर भी 5 में 5 मतलब 10 में 5 मिल गया, है ना। और झारखंड में भी ठीक ठाक पोजिशन पे रही, मध्य प्रदेश ने भी दिया, वो भी अच्छा खासा गेन किया। तो हर जगह पे आप सभी लोग चुनाव के परिणाम को भी देख सकते हैं। विद्यार्थी इतने दिनों से मांग कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन, मामला हाईकोर्ट तक गया, हाईकोर्ट में जाने के बाद भी सारी चीजें आपकी धरा के धरे रह गई, क्यों, कोर्ट में परवी नहीं हुआ, इन्होंने एफिडेविट जो दिया उस पर सुनवाई नहीं हुई, तो भाई विद्यार्थी नाराज हो गए, है ना। विद्यार्थी क्यों तैयारी करता है, काहे के लिए रहता है किराए के मकानों में, इसीलिए ना कि वो पढ़ करके कुछ बन सके ताकि अपने अपने सपने और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। आपने सारी वैकेंसियों पर रोक लगा रखी है, 7 साल से आपने एलटी ग्रेड नहीं दी है, 5 साल से आपने जीएससी रिक्सलर नहीं दिया है, 3 साल से आवेदन पड़े हुए हो गए, लगभग आपने टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं अनाउंसमेंट नहीं की हैं, 5 साल से आप शिक्षा सेवाचयन आयोग बना रहे हो। जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों का जो मैटर होता है, जब आपको चुनाव जीतना होता है तो आप आते हो विद्यार्थियों के बीच में और आकर के उनके मुद्दे उठाते हो, उनके साथ धरना प्रदर्शन में लग जाते हो, और जब चुनाव निकल गया तो है ना, तो ऐसी तरीके की राजनीतियां अब तो फिलहाल नहीं चलने वाली, क्योंकि विद्यार्थी हमेशा से ही सजग रहा है और हम सभी लोगों ने भी ये बातें शासन स्तर तक पहुंचाई हैं। लेकिन कहते नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ही घातक होती है और यही हुआ है। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियों में आज ही जिस ऑनलाइन अपडेटेड अध्याचन की बात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने की थी, आज उसी ऑनलाइन अपडेटेड अध्याचन को लोक सेवा आयोग को वापस भिजवाया जाएगा। ठीक है, प्रयास करके भिजवा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बातें मैं स्पष्ट कर दूं कि ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की जब आप लोग एकजुट होकर के सामने आ जाएंगे ना, तभी पॉसिबल हो पाएगी कि हम लोग विज्ञापन जारी करा पाए। क्यों, क्योंकि अब तो चुनाव समाप्त हो गया ना, 8 तारीख मोदी जी शपथ लेने चल रहे हैं ना, उसके बाद चुनावी आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। अब हम सभी लोग गवर्नमेंट पे इतना दबाव बनाए कि गवर्नमेंट हम लोगों के लिए अधिकारियों की नियुक्तियां कर दे, और जो कर्मचारी शिक्षा सेवाचयन आयोग में कार्य करने के लिए जरूरी होते उनकी नियुक्तियां कर दें, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्तियां कर दें, और हम लोगों का काम जो है वो प्रोग्राम वो स्टार्ट हो जाए, ताकि हम लोगों की टीजीटी पीजीटी अगस्त में हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर जुलाई में हो जाए, सारी चीजें हम लोगों की वो क्लियर हो जाए और नए नए विज्ञापन भी जारी हो जाए। और एलटी ग्रेड जीएससी को लेकर के हम लोग तो आज एकदम फुल एंड फाइनल करा लेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वैसे उम्मीद अब नहीं दिखती है, क्योंकि हम सभी लोगों ने भी प्रयास किया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही इसका विज्ञापन जारी करे, और बहुत दिन के जद्दोजहद के बाद अध्याचन कई बार वापस भेजे, ये पहला कांड नहीं है, अध्याचन लोक सेवा आयोग के माध्यम से कई बार वापस भेजे जा चुके हैं, ये तीसरी बार है। ठीक है ना, लेकिन उसको वापस भिजवाया गया था, फिर भेजा है वापस इन्होंने, अब की बार सारी चीजें वो क्लियर कराई जाएंगी, कंफर्म कराई जाएंगी, उसके बाद ही कुछ जो है पॉसिबल होगा। ठीक है, तो
आप लोग चिंतित मत होइए, सार्थक भैया हैं आप सभी लोगों के फेवर में काम करने के लिए, बस आप सभी लोग सहयोग करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। 97 कैसे 83 85 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमारे नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप टीजीडी पीजीटी एलटी जीआईसी टेट सीटेट सुपर टेट यूपीपी यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई डीएसएसबी केंद्रीय विद्यालय संगठन बिहार बीएड एंट्रेंस या आप शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे नोट्स अवश्य ही पढ़िए। इससे आप लोगों को एक मार्गदर्शन मिलेगा और एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आप उस प्रिपरेशन की उस लाइन में खड़े हैं जहां से आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। तो चैनल को अधिकाधिक सपोर्ट करिए, क्योंकि आज से मुहिम कल से तो स्टार्ट हो ही चुकी है, लेकिन चूंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज से इस मुहिम को और धार दी जाएगी और कोशिश हम सभी लोगों की ये होगी कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन से बेहतरीन हम लोग कर सके, ताकि हम लोगों का विज्ञापन जारी हो। खंड शिक्षा अधिकारी का नाम ही कोई नहीं लेता है ना, अध्याचन आकर के रखे हुए हैं, खंड शिक्षा अधिकारी का कहीं आते पता नहीं। लोक सेवा आयोग क्या बहाने बना रहा है, हमारे पास परीक्षाओं का अंबार, हम कितनी परीक्षाएं करा लेंगे 7 महीने के अंदर, है ना। और जून से ही प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया है, आपने स्वयं देखा होगा परीक्षा कैलेंडर में। लेकिन हमारी एलटी जीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी इनके ऊपर भारी पड़ता है, जो बार बार अध्याचन वापस भेजे जा रहे हैं, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों को भी एकजुट होना होगा, क्यों, क्योंकि अब हम आप लोगों को कभी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी बुला सकते हैं, तो आप लोग सहयोग करेंगे तभी कुछ होगा ना। बाकी हम लोग तो मेहनत करने के लिए है ही, हम लोग लगे हुए हैं और आप लोगों की सफलता के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। इसलिए चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, अधिकाधिक संख्या में स्नेह दीजिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।